अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ योर जनरल साइंस बुक। प्लीज़ ओपन योर चैप्टर नंबर 11 और आपका यूनिट नंबर 4 है। तो चैप्टर नंबर 11 में हमने लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट लिया था। लॉन्ग क्वेश्चन पहला था हमारा एलिब्रेट द टाइप्स ऑफ द सॉइल, ये हमारा कंटिन्यू था। तो हमने जो देखा था पिछले कल, हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ द सॉइल में हमने सैंडी सॉइल को जो है वो डिटेल से पढ़ा था। आज जो बारी है हमारी क्ले सोइल की है। तो दिस सोइल इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे ज़रात से मिलकर ये बनी हुई होती है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं इसको, विच क्लिंग टुगेदर, और ये पार्टिकल्स जो हैं ये आपस में क्लिंग हुए होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। इट हैज़ स्मॉल एयर स्पेसिस, इसमें एयर स्पेसिस मौजूद होती हैं। वाटर इज़ ट्रैप्ड इन द पार्टिकल, पानी इनके दरमियान में ठहर सकता है। इट हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ द मिनरल्स एंड वेरी लिटल एयर, इसमें मिनरल्स की तादाद बहुत ज़्यादा होती है और हवा जो है वो कम होती है। व्हेन इट इज़ ड्राई, जब ये ड्राई होती है, इट इज़ वेरी हार्ड, तो ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। प्लांट कैन नॉट ग्रो इन द इन सच सॉइल, इस तरह की ज़मीन में भी पौधे नहीं उगते। तो इसे हम क्या कहते हैं, क्ले सॉइल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्ले सॉइल कहते हैं। तो इसमें अब जो लाइनें आपने अपनी कॉपी पर लिखनी हैं और याद करनी है वो भी अंडरलाइन कर लें। क्ले सॉइल, दिस सॉइल इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, ये लाइन अंडरलाइन करें। विच इज़ क्लिंग टुगेदर, जो एक दूसरे के साथ क्लिंग होती है, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है। वाटर इज ट्रेप इन दिस इन द पार्टिकल, पानी इनमें जो है वो ट्रेप हो जाता है, रुक जाता है, ठहर जाता है। व्हेन इट इज़ ड्राई, जब ये खुशक होती है, इट इज़ वेरी हार्ड, तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है। प्लांट कैन नॉट ग्रो इन सच सॉइल, इसमें प्लांट जो है वो ग्रो नहीं कर सकता। तो जो लाइनें मार ये आप देख लें हाईलाइट हुई हैं, इनको आपने अपनी नीट कॉपी पर लिखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।